हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छी होंगे। दोस्तों, आपके सामने खड़ी हुई है ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200 का दोनों ही नया कलर ऑप्शन। कंपनी ने दो नए कलर ऑप्शन लाए हैं, एक आपको ये ब्लैक टाइप मिलता है, वो आपको ऑरेंज टाइप मिलता है। दोनों का कलर ऑप्शन बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, बहुत अच्छा कलर ऑप्शन कंपनी ने यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोनों बाइक का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और दोनों बाइक के बारे में आपको बताऊंगा क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है। दोनों बाइक क्या बताऊँगी, सिंगल बाइक है, दो कलर ऑप्शन है बस। ठीक, डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भाई चैनल को प्लीज़ कर लीजिएगा, आप लोगों को प्यार एंड सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोनों बाइक के, यानी कि एक बाइक के दो कलर ऑप्शन के प्राइस के बारे में, आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, सबसे पहले हम अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है। जितना हमारे पास पैसा होता है, जितना हमारे पास बजट होता है, उसके हिसाब से हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ, ये बाइक एक्सो में प्राइस आती है लगभग मान लें 96,000, 1,96,000 रुपये के आसपास की आपको एक्सो में प्राइस देखने को मिलेगी। बात कर लें इसकी ऑन रोड प्राइस के बारे में। दोस्तों, ये जो बाइक ऑन रोड प्राइस आती है लगभग आती है 2,32,000, 2,32,000 रुपये के आसपास की बाइक आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। दोस्तों, हो सकता है आप लोगों का प्राइस इसका अलग हो, क्योंकि हर एक स्टेडियम सिटी में ऑन रोड प्राइस में फ़र्क होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं रिव्यू में। सबसे पहले मैं इसकी की ऑन करता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने की ऑन किया, आप देखेंगे यहाँ पे आपको LED जो डियर एन लाइट है, वो आपको इस बाइक में आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छी जो लाइट है कंपनी ने यहाँ पे दिया हुआ है। मेन लाइट भी दोस्तों इस बाइक में आपको फुली जो LED लाइट है वो आपको बाइक में मिलेगा। आप देख सकते हैं कंपनी ने जो फुली LED लाइट है यहाँ पे ऑफर किया हुआ है। लाइट की क्वालिटी प्लस लाइट की जो मतलब इल्यूमिनेशन प्लस विजिबिलिटी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। जो टनल सिंगल लैप है वो भी आपको यहाँ पे LED देखने को मिल जाता है। ठीक दोस्तों, फ्रंट में जो सस्पेंशन आते हैं बाइक में, आपको WP की USD यानी कि 43mm की USD फोक सस्पेंशन है। सस्पेंशन की जो क्वालिटी दोस्तों आपको बाइक में बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत अच्छी जो क्वालिटी के सस्पेंशन है वो तो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएंगे। जो टायर साइज है आपको रियर फ्रंट में 1107 का जो टायर साइज आपको यहाँ पे फ्रंट में मिलता है। बात करें ब्रेकिंग के बारे में, ब्रेकिंग में स्पेशल फीचर में इस बाइक में दोस्तों आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ABS है जो कि डुअल चैनल ABS मिलेगा। एंड अगर बात करें प्लेट साइज के बारे में, तो फ्रंट में आपको 300mm 300mm की प्लेट मिलती है दोस्तों, जो कि 4-piston कैलिबर मिलेंगे। बाई ब्रेक के कैलिबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब चलते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ। इंजन टाइप में इस बाइक में आपको 199.5cc का लिक्विड कोल 4:DOAC सिंगल सिलेंडर जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, दूसरी बाइक मैक्सिमम पावर में आपको बता दो 25 PS के आसपास का पावर जनरेट करती है। 19.3 के आसपास का जो टॉर्क है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। इस बाइक में आपको जो पावर एंड टॉर्क है वो आपको बाइक में बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको बाइक की मिलेगी। 200 अपनी मतलब ड्यूक 200 अपनी सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल बाइक है। दोस्तों, यहाँ पे आपको लिक्विड कूल इंजन मिलेगा। कंपनी ने काफ़ी बड़ा रेडिएटर यूज़ किया है। इसमें आपको 6 गियर देखने को मिलते हैं प्लस E20 BS6 नॉर्म्स के साथ में आती है। एक माइनस पॉइंट है कि फिलहाल अभी इसमें स्लीपर क्लच नहीं है, कंपनी को ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और इस बाइक में जो स्लीपर क्लच है वो भी कंपनी को ऐड कर देना चाहिए, तो ये बाइक और भी बेहतर हो जाएगी। बाकी स्लीपर क्लच फिलहाल अभी हमें इस बाइक में देखने को नहीं मिलता। ठीक, तो ये था दोस्तों इस बाइक का डिटेल इंजन स्पेसिफिकेशन। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, ये बाइक आपको मिनिमम माइलेज निकाल कर देगी भाई, मेरे हिसाब से 35 to 40 के आसपास का माइलेज ऑफर कर देती है, डिपेंडिंग ऑन राइडिंग स्किल। 0 to 100 में दोस्तों इस बाइक को लगभग 10 सेकंड लगते हैं। टॉप स्पीड आपको इसकी लगभग 140 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड मिलेगी। अब आते हैं रियर प्रोफाइल में। टेल लाइट यहाँ पे आपको LED मिलेगा, विच इज़ वेरी प्रीमियम। कंपनी ने काफ़ी अच्छी टेल लाइट ऑफर किया है। दोस्तों, रियर में इस बाइक में आपको 150/60 के टायर साइज मिलता है। रियर में इस बाइक में आपको 230mm के आसपास की जो डिस्क प्लेट है वो आपको रियर में मिलेगी। प्लस दोनों में आपको जो एग्जॉस्ट है दोस्तों, आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिल जाता है। ठीक, यहाँ पे देख पा रहे जो सस्पेंशन है दोनों में आपको WP के मोनोसोक सस्पेंशन है। दोस्तों, सस्पेंशन की क्वालिटी जो है दोनों ही में आपको बहुत प्यारी मिल जाती है। सीट में आपको स्प्लिट सीट मिलेगा, 1:2 दो पार्ट में सीट है। बट सीट की फोम क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपको KTM की यानी कि ड्यूक की बैचिंग मिल जाती है। चलिए बात करें स्पीडोमीटर के बारे में। सबसे पहले आप की देख लीजिए, स्टेप पर की आपको बाइक में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, स्पीडोमीटर में इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे जो फीचर है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे टेकोमीटर है, जिसे RPM कहते हैं, ये गियर इंडिकेटर है, ये स्पीडोमीटर है, यहाँ पे इन्फो है, इंजन टेम्परेचर है, क्लॉक है, फ्यूल इंडिकेटर है, साइड स्टैंड इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, ट्रिप 1 ट्रिप 2, ये सारे फीचर आपको बाइक में मिलेंगे। चीज़ें पास ही लो भी हैव बीन डन सी करने फोन इंजन किल्सिस प्लस सेल्फ फसिस आपको बाइक में
मिल जाता है। ठीक, तो ये तो दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट स्पीडोमीटर प्लस इस बाइक का डिटेल रिव्यू। अब दोस्तों दोनों में आपको मतलब दोनों में कौन सा कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि दोनों ही बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी निकल के आई है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।